मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगाया जनता दरबार। 350 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार की सुबह सीएम योगी जयपुर राजस्थान के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चिड़ियाघर का किया भ्रमण। तेंदुओं के दो मादा शावकों को दूध पिलाकर मुख्यमंत्री ने किया नामकरण। एक को भवानी तो दूसरे को नाम दिया चंडी। गीता नामक सफेद बाघ इनको क्रॉल से मुख्य बाड़े में कराया प्रवेश। कहा, राम राज्य की भावना के अनुरूप हो प्रत्येक प्राणी का संरक्षण। लूट की घटना में शामिल एक शातिर चेन लुटेरे अभिषेक भारती और लूट के सामान को खरीदने वाले सोनार आदित्य वर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का चेन, लूटे गए चेन को बेचकर मिले पैसे से खरीदे गए एप्पल का मोबाइल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण के पुतले का सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच किसी तरह से किया गया दहन। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में बुधवार को बड़घाट के रामलीला मैदान में कलाकारों द्वारा दिखाया गया रावण वध की लीला। कहा, प्रभु श्री राम द्वारा रावण के वध होते ही हजारों भक्तों ने किया जय जय श्री राम का उद्घोष। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर नगर निगम ने बनाए 3 कृत्रिम पोखरे। निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के शिफ्टवार लगाई गई है ड्यूटी। नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने कहा, प्रतिमा विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई दिक्कत। और जनपद में सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच 3000 से ज्यादा मूर्तियों के विसर्जन के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसएसबी जवानों, आरएएफ जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। हर मूर्ति के साथ एक नोडल अधिकारी को किया गया है तैनात। मूर्ति विसर्जन को करवाएंगे सकुशल संपन्न, एसपी सिटी ने दी जानकारी।